दोस्तों कोल्हापुर से जिस होटल में रुके हैं एकदम हाईवे पे है, ये देखिए। और ये जो दिख रहा है ब्रिज, ये मेन हाईवे NH4। चलो चलते हैं। अभी यहाँ का कोल्हापुर का मशहूर है क्या, कोल्हापुर का मशहूर है मिसल पाव, और दूसरा मटन में एक आता है कोल्हापुरी मटन। तो अभी निकल रहे हैं, मिसल पाव खाएंगे, नाश्ते का वक्त है, फिर हमको आगे निकलना है, इसलिए मिसल पाव खाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं दबा के आगे। हाँ, होटल के नीचे ही उतरे। ये देखिए मिसल पाव जबरदस्त रंगत के साथ, ये मिर्ची भजिया, ये पाव, ये खाते हैं बिस्मिल्लाह बोल के और फिर निकलते हैं आगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोल्हापुर से निकले हैं। अभी सीन ऐसा है कि पहले सबसे पहले फ्यूल भराना पड़ेगा। हाईवे पे लू आगे बढ़ते, आगे 100% होगा ना। अरे होगा, कैसा नहीं होगा। यहाँ सिटी के पंप से ही पहले फ्यूल भरेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट निपानी फाटे के बाद। अब रुकने का निपानी फाटा के लिए निकल चुके हैं कोल्हापुर से। हालांकि कल रात में 3 बजे थे, निपानी फाटे पे ही रुकते, आगे रुकते, लेकिन मसला ये था कि फिर निपानी फाटे पे रुक के ये नहीं होता, मतलब लेट हुई हो जाते। तो बेहतर ये था कि यहीं कोल्हापुर में रुको तो थोड़ा टाइम ज़्यादा आराम करने मिलेगा। कोल्हापुर में रुके, मस्त सोए, 8:30-9 बजे उठे, फ्रेश हुए, मिसल पाव वगैरह खाए, फ्यूल भरे, अब निकल चुके हैं। सिर्फ निपानी फाटे के बाद जो जंगल लगता है 100 किलोमीटर का, 97 किलोमीटर का, वो जो नज़ारे, उसके लिए दरअसल रात गुजारी गई है कोल्हापुर में। ना तो सीधा डायरेक्ट गोवा पहुंच के ही रुकते, तो फिर जंगल चालू होता है तो फिर आपको नज़ारे चढ़ाते हैं ना अंदर ना। हाँ, निपानी फाटा, हाँ निपानी फाटा है दोस्तों। यहाँ से आप अंदर डाल चुके हैं, चाय मारने गए भाई, चाय के लिए इनकार कर रहे हैं। अभी निकल चुके हैं निपानी फाटे पे, मेन ये जंगल, ये हरियाली, ये पहाड़, इसीलिए तो कोल्हापुर में स्टे किया गया। अब पूरा भरपूर लुत्फ लेते हुए जाएंगे। वाह, करीब करीब 100 किलोमीटर बचा है, क्या मजा आ रही है राइड करने। और ये जो मजा है सबको देना चाहता हूँ। जल्द हम लोग, मैं और शेरी भाई, एक टूर निकालने वाले हैं, उसको भी बाइक पे गोवा आना है, तो आ सकता है। बाइक अपनी अपनी रहेंगी सबकी, पेट्रोल अपना अपना रहेगा, बाकी के जो एक्सपेंसेस रहेंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन जिसमें दम हो बाइक चलाने का वही आए, और जिसे शौक हो, सर दर्द बनना है तो आने की जरूरत नहीं है। आप अभी 100-150 किलोमीटर चले हैं इधर से कोल्हापुर से। ये गन्ने का जूस दिखाए, ये देखिए मशीन यहाँ पे अलग किस्म की है। ये गन्ने का जूस मारते हैं, थोड़ा बैठते हैं, फिर निकलते हैं आगे। गन्ने का जूस पिए, तो मशीन जो थी अलग किस्म की थी, एक ही बार में गन्ना डालते थे पूरा जूस निकाल देती थी अपने आप। बॉम्बे में जो चलता है वो घूमते रहती है, डाना डाना, ऐसी नहीं थी। मजा आ गया, ये मजा है, सबको देना चाहता हूँ। इसलिए जो हम टूर निकाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जल्द हम यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब उसमें डाल देंगे, तो कॉन्टैक्ट करना तो भी, जो भी इंटरेस्टेड हो। 5 दिन का टूर रहेगा, 1 दिन जाना, 1 दिन आना, 3 दिन घूमना, 5 से 6 दिन, सब पूरी डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। बहुत ही बड़ा जंगल है, हर तरफ ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं, भैंसों के जो जंगली भैंसे आते हैं नहीं, उसके सावधान, टेंडुआ है, ये हाथी से भी सावधान, और यहाँ हाथी का दिया हुआ है। जंगल काफी घना भी लग रहा है, तो ये पूरा आजू बाजू एकदम घना जंगल है। रहते हैं अभी, अभी साउथ गोवा 150 किलोमीटर बचा है, वैसे 50-60 किलोमीटर है, लेकिन हमको साउथ में आने का है, साउथ गोवा। साउथ गोवा में हमारे दोस्त लोग हैं, वहाँ जाएंगे। हम बोली, हाँ ऐसा रहे मानन भजन, अम्बोली घाट पहुँचे हैं। अभी शेरी भाई फिलहाल ड्राइविंग कर रहे हैं अम्बोली घाट के कुछ नज़ारे, और फिलहाल हम पीछे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं घाट को। पीछे की सीट भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई है, जो टेका लगा है उसकी वजह से एकदम ऐसा लग रहा है, रे 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 बुलबुल का बच्चा। बड़े मज़े से बैठे हैं, गाड़ी चलाने से ज़्यादा पीछे बैठने में मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। मेन जो घाट पे इंजॉयमेंट मिल रहा है ना आपको, देखिए भूखे भैंसी
अभी काफी लेट हो गए हम लोग, इसलिए ये देखिए अभी नजारे देखिए आप। हाँ क्या अच्छा बंद है ये वाटरफॉल है जो फिलहाल बंद है, देखिए पूरा सूख गया है, थोड़ा सा ऊपर से चल रहा है। अब्दुल्ला है देखो मंकीज, हम जंगल से गुजर रहे हैं, काफी मंकीज हैं यहाँ पे, अभी देखो छोटे छोटे मंकीज आएंगे, देखो तुम्हारे इतने मंकीज आएंगे, देखो देखो अब्दुल्ला योर फ्रेंड्स, देखिए योर फ्रेंड। ओहो वादियाँ वादियाँ, अम्बोली घाट के बेहतरीन नज़ारे, क्या बात है, वीडियो थोड़ी लगता है टेरी है, ये नज़ारे देखिए, रे रे लश लश, क्या बात है। अभी हम पीछे सीट पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अम्बोली घाट के बेहतरीन नज़ारे। खत्म हो गया, मेन हाईवे लग चुका है, कलंगुट बता रहा है यहाँ से 34 किलोमीटर, लेकिन हमें जहाँ जाना है साउथ गोवा वो थोड़ा लंबा है। अब मजा आ रहा है बाइक चलाने, वो 100 किलोमीटर का पैच बहुत डेंजर था, डेंजर इन द सेंस बहुत सिलो 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 पार ही नहीं हो रहा था रास्ता। अब गोवा में एंट्री करने जा रहे हैं, अरे गोवा आ गए, कश्मीर नहीं पहुँच सके तो क्या हुआ, भूटान नहीं पहुँच सके तो क्या हुआ, बाइक आ गए, बस एक कदम दूर है कामयाबी के, बहुत जल्द चले जाएंगे कश्मीर भी। पंजी यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, बेहतरीन हाईवे लगा है जब से घाट खत्म हुआ है अम्बोली। NH-66 पे जब निकले, NH-66 पे ऐसा निकले जब से बहुत जबरदस्त घाट चालू हुआ, ये घाट बोलता हूँ सॉरी, बहुत अच्छा रोड चालू हुआ, एक नंबर। ये देखिए खतरों के खिलाड़ी जा रहे हैं आगे, इन खतरों के खिलाड़ियों से दूरी रहा करो। जबरदस्त सीन पंजी का, ये बीच ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। It was not easy from the start, there were days when I fell apart, just keep following your heart, keep that hope, cause it's hope that dies the last, to never give up, to never back down, I believe it's true, every day the sun rises again for you. आउट जगह रुके हैं दोस्त लोग, से गोवा आए हैं, खाली बाइक ही चला रहे हैं, एक को समंदर दिखा है ना, एक को अंग्रेजन दिखी है, कुछ दिखा नहीं, सिर्फ चला रहे हैं बाइक। ये मुझे ऐसा समझिए ना, केरला के जैसा लुक आ रहा है, केरला और गोवा सेम लुक रहता है, देखो भजे मालपुए गोले बने ले। अभी तक 25 किलोमीटर बचा है, बहुत सारी जगह पे है, ये देखिए लड़की बनावट, छोटे छोटे रास्ते, साहिल समुंदर पे ना सब ऐसा अक्सर सेम ही लगता है, इंडिया में साहिली इलाके वहाँ पे। चलो अभी सीधा बीच पे ही मिलते हैं, जो हॉस्टल बुक किया है दोस्त ने वहाँ पे, थक गए, और सरप्राइज जो था वो सरप्राइज बचा नहीं, क्योंकि लेट हो गए हम लोग बहुत, इसलिए मजबूरन बोलना पड़ा, क्योंकि वो हॉस्टल बुक करना था ना, नहीं तो फिर बुक नहीं हो पाती। चलो मिलते हैं आगे फिर, हाँ हाँ बस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, 1.2 किलोमीटर बचा है, अंग्रेजन दिख गया, अंग्रेजन दिख गया, हाँ ये दो बुड्ढे अंग्रेज आ रहे हैं सामने से। हाँ हॉस्टल का नाम था झींगा लाला हू, हाँ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है मूंगफली चना, मूंगफली चना जोड़ गरम, उपमा पोड़ी, आली आली, पेड़ की पेटी, भान लो, बाहर आ जा, बोल बाहर आ जा,
सीट की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आगे क्या लेफ्ट मारने का ना, आगे से 100 मीटर आगे से लेफ्ट है। फोन करो, यही है पूछते ना हॉस्टल किधर है। हॉस्टल यही है, वो हॉस्टल है जो इधर ही है क्या? हेलो, अबे यहाँ पे खड़ा हूँ, तू कहाँ है? पीछे लो, अबे तू जहाँ पहले लोकेशन डाला था वहाँ पे आ गए थे क्या? ये देखो ये आ गए दोनों याजूद माजूद। ये कहाँ गए? 25 किलोमीटर बोल के 80 किलोमीटर, बाबा बाबा 80-90 किलोमीटर। मैं पहले से बोला ये टुल्ली दे रहा है। चल कहाँ जाने? अरे भूख चक्कर में आ रही है, मेरे को खाना नहीं खिला है सुबह से। अरे हम लोग तो बोलने भी नहीं वाले थे, डायरेक्ट इधर पहुंचने वाले थे, लेकिन इतना लेट हो गए ना, उसकी वजह से मजबूरन बोलना पड़ा। चलो ये है रूम्स अवेलेबल यहाँ पे, ये हॉस्टल है हॉस्टल, लेकिन बहुत महंगा हॉस्टल है भाई, होटल रूम से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि बहुत ही लोकेशन देखिए, हाँ एकदम प्राइम लोकेशन पे यार। हाँ साहब, एकदम प्राइम लोकेशन पे यार, जबरदस्त। इन लोग ने एक्टिवा लिए है भाड़े पे। चिरी भाई बोल रहे थे उसका हॉस्टल का नाम क्या? मैं बोला झिंगा लाला हूँ। ये हॉस्टल है देखो, चलो बाद में आपको दर्शन कराते हैं। फाइनली पहुंच गए, ये देखिए आशीष साहब भी मिला आपको, देख लिया आपने पहले, हॉस्टल वगैरह तो अच्छा है। अभी यहाँ पे आए बीच के किनारे, देखते हैं ये साहब और शेरी दोनों मिस है। पहुंच गए, अब बीच दिख गया कि ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। देखिए दोस्तों गोवा के बीच पे है, हम लोग डायरेक्ट साउथ गोवा में आए, पलालम बीच करके आए, पंजी से ऐतरंग जो 80 किलोमीटर दूर है, मुझे पंजी से 80 किलोमीटर दूर, लेकिन वर्थ है। तो साफ सुथरा बीच है और रोड वगैरह काफी डिसेंट है। गोवा के नसारे पंपोलिन बीच है, बीच का नाम ही मुंह पे नहीं आ रहा है, मगर ये नज़ारे आप चेक कर सकते हैं। पॉलीलम पॉलीलम बीच जबरदस्त। Geographical is very good position because it's still way going on and also from north to south. So everyone, Persians, Iranians, Turks. जा रहे हैं खाना खाने, ये सैफ और शरीफा एक्टिवा पे, मैं और आशीष एवेंजर पे खाना खाने। कौन सी क्या होटल का नाम क्या है बता दे। चलो चलो सस्पेंस खेल रहे हैं। रिसोर्ट है बहुत अच्छा, वहाँ जा रहे हैं सी फूड्स खाने के लिए, वहीं जाके आपको दिखाते हैं। अंग्रेज देखिए, ये आ गए यहाँ पे, देखो कामिया
कमाया। चलो गाड़ी देख। ओह ब्यूटीफुल, क्या रिसॉर्ट है यार। यहाँ पे आए हैं हम सी फूड खाने। चलिए अंदर से दिखा दो। कैंडल लाइट डिनर आशी सैफ एंड दिस इज मुस्तफा राइडर। शेरी भाई उधर क्या मालूम किससे बात कर रहे। ये खाना आया है फिश, फिश के आइटम मंगाए। ये क्या है, प्रॉन्स मंगाए, प्रॉन्स मसाला। बताओ प्रॉन मसाला, डिश उधर रख, एक डिश कर, रोटी एक इधर रख दो, ये फिश करी विथ राइस, एक्स्ट्रा राइस ले लेता बाद में। चलो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉन्स मसाला और उसके साथ तंदूरी रोटी टेस्ट करते हैं। ये है गोवन करी विथ राइस, ये भी ट्राई करते हैं। हेलो। और दोस्तों खाना वगैरह खा के हो गया अच्छे से। प्रॉन्स फ्राई था और गोवन करी, राइस वगैरह, पापड़ वगैरह था। खाना बड़ा मज़ेदार था दोस्तों, और मेन जो फील आ रहा था कैंडल लाइट का वो अल्टीमेट था। और दोस्तों फिर खाना खाने के बाद हम आए हॉस्टल पे। हॉस्टल में गेम एक्टिविटीज़ थी तो हम लोग कैरम खेलते बैठे। ये देखिए हॉस्टल के नज़ारे, और कैरम वगैरह खेले उसके बाद हम चले गए सोने को। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताएं। नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।